हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वैगन से क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे। जो कर्मचारी भाई अगर वैगन रिपेयर शॉप या सीएनडब्ल्यू में जो काम करते होंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मतलब कि टाइप किया हुआ है और इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है और हिंदी मीडियम में है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में क्या लिखा हुआ है कि गुड्स वैगन का मानक व्हील गेज कितना होता है। मानक मतलब कि स्टैंडर्ड व्हील गेज यहाँ पर पूछ रहा है। तो स्टैंडर्ड व्हील गेज जो है 1600 mm होता है। 1600 mm तो ऐसे सभी का होता है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम एलएचबी की बात करें, एलएचबी का, तो ये जो हो जाता है यानी 1600 ± 1। ठीक है, और आईसीएफ का अगर बात करें, आईसीएफ का, तो ये हो जाता है 1600 + 2 - 1। ठीक है, और यही भी गुड्स में भी मतलब कि वैगन में भी गुड्स में भी यही होता है। ठीक है, 1600 + 2 - 1, अर्थात अगर अधिकतम पूछता है तो 1600 में मतलब कि 2 जो है जुट जाएगा यानी 1602 हो जाएगा, और न्यूनतम अगर पूछता है तो 1 - अर्थात 1599 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप लोग याद रखें तो अच्छा रहेगा। अगर मानक पूछता है तो 1600 mm हो जाएगा, अगर इस तरह पूछता है गुड्स वैगन का व्हील गेज कितना होता है तो 1600 + 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस आधार पर प्लस माइनस जो है अधिकतम और न्यूनतम आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि माल वैगन का न्यूनतम व्हील गेज कितना होता है। ठीक है, तो न्यूनतम देखिए यहाँ पर ए नंबर में दिया हुआ है 1599। ठीक है, 1599 जो कि अभी मैंने प्लस मतलब कि 2 - 1 जो बताया था, तो -1 हो जाएगा तो 1599 हो जाएगा। ठीक है, 1599। और वहीं देखिए 3 नंबर में जो है, 3 नंबर में यहाँ पर आपको एक माल वैगन का अधिकतम व्हील गेज कितना होता है, तो ये हो जाएगा 1602 mm। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यानी 1600 + 2 - 1। ठीक है, अर्थात अधिकतम जो है 1600 + 2 मतलब 1602 हो जाएगा, और न्यूनतम जो है एक घटाइएगा तो 1599 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि बीजी, बीजी मतलब कि ब्रॉड गेज होता है। ब्रॉड गेज बोगी वैगन पर एक ही एक्सल पर 4 पहिया ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता कितना। तो देखिए ध्यान देने जो बात यह हो जाता है कि ये एक ही एक्सल पर पूछ रहा है, कि एक बोगी में पूछ रहा है, कि एक वैगन में पूछ रहा है, कि एक कोच में पूछ रहा है। यह जो है पहले ध्यान देने दे मतलब जब भी क्वेश्चन पढ़े तो इस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि एक्सल पूछ रहा है, कि बोगी पूछ रहा है, कि कोच पूछ रहा है, या मतलब कि वैगन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोग को ये मैं बता दूं कि अगर एक ही एक्सल पर अगर पूछता है तो 0. मतलब कि 5 mm भिन्नता होता है अगर एक ही एक्सल पर पूछता है तो। ठीक है, और एक अगर बोगी में पूछता है तो आपको ये हो जाता है 5 mm। ठीक है ना, 5 mm हो जाता है। ठीक है, और एक कोच में अगर पूछता है, एक कोच की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वैगन का नहीं, एक कोच में अगर पूछता है तो एक कोच में जो है 13 mm की मतलब कि व्हील में भिन्नता होता है एक बोगी से दूसरे बोगी में। ठीक है, तो यह कोच के लिए मैंने बताया थोड़ा मतलब कि ऐसे एक्सल पर सभी, चाहे वो वैगन हो या कोच हो, 0.5 mm ही होता है जो कि बी नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोच या वैगन का जहां पर बात आएगा तो थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन यह कोच के लिए मैंने लिखा है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक ही ट्रॉली पर 4 पहिया ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता बीजी, यानी बीजी का मतलब हुआ ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज बोगी वैगन पर पहिया बदलते समय, कहने का मतलब है कि जब पहिया बदलेंगे एक ही ट्राली पर 4 पहिया ट्राली के लिए व्हील ट्रेड में व्यास में अनुमति मतलब कि अनुमत भिन्नता मतलब कि जितना अनुमति दिया गया है एक ही ट्रॉली पर। देखिए यहाँ पर ट्रॉली की बात किया मतलब कि एक बोगी की बात किया गया है। ठीक है, यही सब ध्यान देने की बात है। तो इसका जो है आपको 13 mm हो जाएगा। ठीक है, ट्रॉली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वहां ट्रॉली जो है आपको मैंने 5 mm बताया था, यहाँ बोगी है तो क्या माल वैगन है, इसलिए यहाँ पर मतलब कि 13 mm हो जा रहा है। ठीक है, वो जो बताया था मैंने कोच के लिए बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि बोगी वैगन पर पहिया बदलते समय एक ही वैगन पर 4 पहिया ट्रॉली के व्हील ट्रेड में व्यास में मतलब की भिन्नता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए कहा गया बोगी पर, यहाँ बोगी की बात आ गया,
कि वीजी बोगी वैगन पर, यहाँ पर क्या था ट्रॉली पर, ठीक है, और यहाँ पर आ गया वैगन, यानी एक वैगन की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो एक वैगन में जो है वैगन के लिए बात होगा तो 25 mm हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 mm हो जाएगा, और यहाँ ट्रॉली की अगर बात किया जाए तो 13 mm हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक ही एक्सल पर 6 पहिया वाली ट्रॉली के लिए, देखिए यहाँ पर 6 पहिया वाला है, एक ही एक्सल है लेकिन 6 पहिया ट्रॉली वाला के लिए नए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता कितना होगा। यहाँ पर 6 ट्रॉली वाला है और एक ही एक्सल पर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब एक ही एक्सल पर कहे तो 0.5 mm ही होगा, ठीक है, जो कि आपको बी नंबर में आपको दिया हुआ है, ठीक है, बी नंबर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एक ही ट्रॉली पर, यहाँ ट्रॉली की देखिए बात आ गया, ट्रॉली पर 6 पहिया वाली ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता बीजी वैगन पर पहिया बदलते समय कितना होगा, कितना, क्वेश्चन नंबर जो है तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या दिया है 6 mm, ठीक है, 6 mm दिया है लेकिन एक ही ट्रॉली पर 6 पहिया वाला है, वो क्या था 4 पहिया वाला था, ठीक है। इस हिसाब से आप क्वेश्चन को भिन्नता भी देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 पहिया वाली ट्रेन, इसको जो है थोड़ा सा पेंसिल ले लें, देखिए 6 पहिया वाली ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता एक ही वैगन पर बीजी बोगी पहिया बदलते समय, देखिए यहाँ पर 6 व्हील है, ठीक है ना, 6 व्हील्स मतलब कि 6 पहिया वाला है, तो इसमें जो है कितना आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का आपको ए नंबर यानी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 mm हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर दस में क्या कह रहा है कि बीजी बोगी वैगन व्हील पर एक ही एक्सल पर 6 पहिया वाला, मतलब देखिए एक ही एक्सल है या 6 पहिया वाला है, ठीक है, तो एक ही जब एक्सल की जब बात करेगा तो आपको हो जाएगा 5 mm, जहां एक्सल एक ही एक्सल का अगर बात किया तो 5 mm हो जाएगा, जो बी नंबर 0.5 mm, मतलब जो बी नंबर में दिया हुआ है 0.5 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग्यारह में क्या कह रहे हैं, पहिया बदलते समय बीजी बोगी वैगन पर 6 पहिया इकाई के लिए व्हील ट्रेड में भिन्नता, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 के सी में देखिए 6 mm दिया हुआ है, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 6 mm, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहिया बदलते समय बीजी वैगन पर एक ही वैगन पर 6 पहिया इकाई के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता कितना होगा, कितना होगा, यानी 12 का सी हो जाएगा, मतलब कि 6 mm हो जाएगा, ठीक है। पहिया बदलते समय बीजी वोगी वैगन पर एक ही वैगन पर 6 पहिया, एक वैगन की बात किया जा रहा है और 6 पहिया वाला है, ध्यान देने जो बात है कि 4 पहिया की बात किया जा रहा है कि 6 पहिया वाला बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है आपको सी नंबर, मतलब कि 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा एक ही धुरी पर 4 पहिया, देखिए अब 4 पहिया आ गया, ध्यान देने जो बात है कि 4 और 6, ठीक है ना, एक ही धुरी पर 4 पहिया के इकाई के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता, ठीक है, एक ही धुरी पर एक एक्सल की बात किया जा रहा है, ठीक है, एक एक्सल पर, जहां भी एक एक्सल की बात आएगा 0.5 mm होगा इसका आंसर, ठीक है, चाहे वो कोच हो चाहे वैगन हो, ठीक है, चाहे 4 पहिया हो या 6 पहिया हो, एक एक्सल पर जब बात आ जाएगा तो एक ही एक्सल पर दोनों पहियों के बीच की मतलब कि क्या होता है डाया में, मतलब अंतर जो है 0.5 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि एक ही वैगन पर, देखिए एक वैगन की बात आ गया, एक ही वैगन पर 4 पहिया, एक ही वैगन है और 4 पहिया वाला मतलब वैगन है, इकाई के लिए व्हील ट्रेड में, मतलब कि व्हील ट्रेड व्यास में, मतलब कि अनुमत भिन्नता जो पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन को थोड़ा सा ऊपर कीजिए, इसका जो हो जाएगा डी यानी 25 mm हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 mm, डी नंबर में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि एयर बीके का मतलब ब्रेक हो गया, ठीक है, बीके का मतलब ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में बीके लिख सकते हैं, ठीक है, यानी ब्रेक, एयर ब्रेक के लिए यार्ड में कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की मोटाई होने पर बदल देना चाहिए, मतलब कितनी मोटाई होने पर यार्ड में जो है बदल देना चाहिए, तो इसका सही आंसर जो है आपको ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 10 mm अगर ब्रेक ब्लॉक की मोटाई अगर हो गया घिस करके तो उसको बदल देना चाहिए। देखिए 16 नंबर में क्या लिखा है कि पहिया और ब्रेक ब्लॉक के बीच गैप
कितना होता है वैक्सन वैगन के लिए, ठीक है, वैक्सन वैगन के लिए पहिया और ब्रेक ब्लॉक के बीच गैप जो है कितना होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं इसको, तो देखते हैं, तो इसका सही आंसर जो है 25.6 mm हो जाता है। कितना? 25.6 mm, ठीक है, पेंसिल थोड़ा ले ले, ठीक है, 25.6 mm, ठीक है। लेकिन वही अगर ICF अगर रहता तो ये होता 5, ठीक है, 5 mm जो है इसका गैप रहना चाहिए। अगर वही LHB रहता, LHB तो व्हील डिस्क और ब्रेक ब्लॉक यानी ब्रेक ब्लॉक के बीच में जो है 1 से लेकर 1.5 mm मतलब की गैप होता है, ठीक है। तो सभी के लिए अलग अलग है, यह वैगन है इसलिए वैगन के लिए 6.25 mm जो है पहिया और ब्रेक ब्लॉक के बीच जो है गैप होना चाहिए, वॉक्सन वैगन के लिए बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 मैंने लिखा है त्वरित मतलब क्विक कपलिंग किस ब्रेक वैन का भाग है, क्विक कपलिंग जो है किस ब्रेक वैन का भाग है। तो यहाँ पर सी नंबर में देखिए VVZC यानी VVZC का यह मतलब क्विक कपलिंग मतलब यह भाग है, VVZC का क्विक कपलिंग जो है VVZC वैगन का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है 533 mm व्यास का एक F प्रकार का वैक्यूम सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, मतलब किसमें जो है वैक्यूम सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है F प्रकार का, तो ये आंसर हो जाएगा BRH, क्या हो जाएगा इसका आंसर BRH, क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा BRH, यानी क्या कह रहा है कि 533 mm व्यास का FR वैक्यूम सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, तो किसमें, तो BRH में किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि वॉक्सन या BCXT वैगन में मतलब हेड स्टॉक और ट्रेन 5 के बीच के अंतर मतलब दूरी जो है कितना होता है, ठीक है। आप यहां पर इंग्लिश में देख लीजिए वॉक्सन यानी BCXT वैगन, ठीक है। तो इसका जो है आपका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी 216 mm इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का, ठीक है। चलिए 20 नंबर में वॉक्सन वैगन का हेड स्टॉक की लंबाई कितना होता है, वॉक्सन वैगन का हेड स्टॉक की लंबाई कितना होता है, तो ये जो है 9784 mm, कितना हो जाता है 9784 mm, यानी वॉक्सन वैगन का हेड स्टॉक की लंबाई होता है। 21 नंबर में क्या है कि वॉक्सन वैगन का टेयर वजन पूछ रहा है, वॉक्सन वैगन का टेयर वजन जो है पूछ रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा 22.47 टन, बॉक्सन वैगन का टेयर वजन जो 22.47 टन हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि VRN वैगन का टायर वजन मतलब टेयर वजन जो है पूछ रहा है, कौन सा वैगन है, VRN वैगन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24.4, कितना हो जाएगा 24.4, ठीक है। तो वो दूसरा वैगन था मतलब वॉक्सन था, ये है VRN वैगन, वैगन भी मतलब वैगन पर भी ध्यान देंगे कि कौन सा वैगन पूछ रहा है, VR की वॉक्सन, इस टाइप से अपना ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। और उसको लिखिएगा, लिख करके तब आप अगर पढ़ते हैं याद करते हैं तो आपको याद करने में सहूलियत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि वॉक्सन वैगन का कफलर्स की लंबाई, यहाँ कफलर्स की लंबाई पूछ रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में, तो 23 का सही आंसर जो है आपको ए हो जाएगा, अर्थात 10,713 mm, ठीक है, 10,713 mm वॉक्सन वैगन का कफलर्स की लंबाई कितना हो जाएगा, तो 10,713 mm हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि BCN वैगन के कफलर्स की लंबाई, देखिए यहाँ पर BCN वैगन आ गया, ठीक है। तो BCN वैगन की कपलर्स की लंबाई जो है आपको सी नंबर में जो दिया हुआ है 15,429 mm हो जाएगा, ठीक है। यह जो है BCN वैगन है, ठीक है, ये कौन सा वैगन है, BCN वैगन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये जो है आपको वॉक्सन वैगन था, वॉक्सन वैगन जो है 10,713 mm, और ये जो था BCN वैगन तो 15,429 mm हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का, ठीक है। 25 नंबर में देखिए VRN वैगन के कपलर्स की लंबाई, देखा यहाँ VRN आ गया, ठीक है, वो था वॉक्सन तो VCN और VRN आ गया, ठीक है। तो VRN वैगन के कपलर्स की लंबाई जो है यह पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा 14,645 mm, कितना हो जाएगा 14,645 mm, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
देखिए 26 नंबर में है बॉक्सर बैगन का सकल भार, ठीक है, सकल भार हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। बॉक्सर बैगन का सकल भार जो है कितना होगा, तो ये हो जाएगा 81.28 मतलब कि 28 टन, ठीक है। बॉक्सर बैगन का सकल भार 81.28 टन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी में लिखते चलिएगा तो आप लोग को अच्छा रहेगा लिख करके याद करने में, ठीक है, क्योंकि वीडियो एक बार देखने के बाद में फिर वीडियो कहाँ जाएगा, कैसे, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, किस क्वेश्चन में था, आपको परेशानी होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है मतलब कि लिख करके याद करें तो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है कि वी आर एन बैगन का सकल भार कितना, वी आर एन बैगन का सकल भार उपक्षण का था और वी आर एन का सकल भार पूछ रहा है, ठीक है। तो 27 का जो है आपका सी नंबर हो जाएगा 81.3 टन, ठीक है, 81.3 टन हो जाएगा 27 का, ठीक है। अब 28 का देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, ब्रेक बैन माल वीजी क्या है, बीवीजी कौन सा, बीवीजी, ठीक है, इसको जो है थोड़ा पेंसिल ले लीजिए, कौन सा है, बीवीजी माल वैगन, ब्रेक वैन माल बीवीजी एक्सल लोड यहाँ पर पूछ रहा है, इसका एक्सल लोड जो है कितना होता है, ठीक है। ये जो है 28 नंबर क्वेश्चन है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 116.3 टन, ठीक है। और एसी का भी मतलब एसी जो गाड़ी होता है कोच की मैं बात कर रहा हूँ, उसका भी 16.3 टन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि ब्रेक बैन गुड्स मतलब बीवीजी ट्रेड पर पहिए का व्यास पूछ रहा है बीवीजी का, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो है 29 का डी हो जाएगा 290 mm, कितना हो जाएगा 290 mm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 30 नंबर में क्या कह रहा है, दुर्घटना मैनुअल में ट्रेन पार्टिंग के अंदर, मतलब जब ट्रेन दुर्घटना होता है और ट्रेन का पार्टिंग हो जाता है, पार्टिंग मतलब दूसरे दो पार्ट में जब बंट जाते हैं, तो उस स्थिति में ये दुर्घटना जो है किस क्लास में मतलब आता है, तो ये हो जाएगा J5 वर्ग, मतलब J5 क्लास में आता है, ठीक है। पेंसिल ले लीजिए, कौन सा आता है, J5 में आता है, ठीक है, याद रखिएगा। दुर्घटना में जब ट्रेन पार्टिंग मतलब दो पार्ट में हो जाए, उस स्थिति में जो है J5 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में जो है क्या कह रहा है कि रेल स्तर से BOBR वैगन की कुल ऊंचाई कह रहा है, ठीक है, रेल स्तर से BOBR वैगन की कुल ऊंचाई यह क्वेश्चन कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3735 mm, कितना हो जाएगा 3735 mm, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि किस प्रकार की डिपो में एयर ब्रेक वैगन का ROH नहीं किया जाता है, देखिए यहाँ पर नहीं किया जाता है, ठीक है ना, किस प्रकार के डिपो में एयर ब्रेक वैगन का ROH नहीं किया जाता है। चलिए इसको ऊपर बढ़ाइए, तो यहाँ पर आंसर इसका डी हो जाएगा, अर्थात डी श्रेणी के, ठीक है, डी श्रेणी के यहाँ पर जो है किस प्रकार के डिपो में, मतलब जो डी श्रेणी के डिपो होगा उसमें जो है इसका ROH नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए 33 नंबर में क्या कह रहा है कि EYC ट्रॉली में वेल्डिंग मरम्मत में किस RDSO पंफलेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा R7, याद रखिएगा R7, EYC ट्रॉली में वेल्डिंग मरम्मत के लिए RDSO पंफलेट का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है R7 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, R7 का प्रयोग किया जाता है, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर R7 ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि BOBR वैगन पर दरवाजा के संचालन के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव कितना होता है, ठीक है, यहाँ पर दरवाजे के संचालन के बात किया जा रहा है, ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अर्थात 4.92 किलोग्राम प्रति CM³, इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर 4.92 याद कर लीजिएगा किलोग्राम प्लस CM², ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 560 mm व्यास के एफ प्रकार का वैक्यूम सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, मतलब किसमें किया जाता है, 35 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी वक्स मतलब बक्सन वैगन में, ठीक है, बक्सन वैगन में जो है मतलब 560
एमएम व्यास के एक प्रकार के वैक्यूम सिलेंडर का उपयोग किया जाता है वक्स वैगन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि वक्सन वैगन के लिए साइड ऑपरेटेड हैंड ब्रेक व्हील का व्यास कितना होता है। ठीक है, ऑपरेटेड जो व्हील जो होता है साइड में जो लगा रहता है वैगन के साइड ऑपरेटेड व्हील जो, जैसे कि आपको ऐसे होता है जो साइड में लगा रहता है उसको मतलब कि हम लोग घुमाते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो कह रहा है कि व्हील का व्यास जो है इसका कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 610 mm। कितना हो जाएगा? 610 mm इसका व्हील मतलब कि ऑपरेटेड जो हैंडल जो होता है मतलब कि हैंड ब्रेक के लिए उसका व्हील व्यास कह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि बीसीएन वैगन का टायर वजन, टायर मतलब क्या है? टायर वजन है। ठीक है, टायर वजन जो है कितना होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 27.20 यानी 27.20 टन हो जाएगा। बीसीएन वैगन का टायर वजन 27.20 मतलब कि वजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसको चार्ट लगा दे। ठीक है, चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्रेक वैन माल बीजी वैगन में किस प्रकार के ड्रैग गियर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक वैन की बात किया गया है। ठीक है, तो ब्रेक वैन में जो है 38 नंबर क्वेश्चन में यानी स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। क्या? स्क्रू कपलिंग का कौन सा है? ब्रेक वैन माल बीजी में किस प्रकार का ड्रैग गियर का प्रयोग किया जाता है? तो स्क्रू कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें सीवीसी एंड स्क्रू दोनों रहता है, यानी इसको एनहेंस स्क्रू कपलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसका जहां जरूरी पड़े वैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो सीवीसी भी हो जाएगा। यहां पर हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप अपने हिसाब से भी देख लेंगे। इसका आंसर जो है स्क्रू कपलिंग दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। 39 में BOVR वैगन पर दरवाजे के संचालन के लिए अधिकतम दबाव डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब कितना से अधिक जो है नहीं होना चाहिए। तो 39 नंबर का सही आंसर जो है सी हो जाएगा, 9.14 किलोग्राम प्रति cm स्क्वायर से अधिक दबाव नहीं होना चाहिए। क्या कर बियर वैगन पर दरवाजे के संचालन के लिए अधिकतम दबाव, ठीक है, इससे ज्यादा अधिकतम दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, 39 का मतलब सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ब्रेक वैन मैच ट्रंक, देखिए इसमें मैच ट्रंक बीवीएम के बफर कपलर की लंबाई कितना होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको 7213 mm। कितना हो जाएगा? 7213 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 40 यानी अर्थात 41। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ब्रेक वैन मैच ट्रंक बीवीएन का व्हील बेस इसमें पूछ रहा है, व्हील बेस जो है कितना होता है। तो व्हील बेस जो है इसका सी नंबर में जो आंसर आपको दिया हुआ है यानी 3505 mm होता है। क्या? व्हील बेस। इसको सबको कॉपी में लिख लीजिएगा, तब उसको कैसे जैसे आपको मतलब याद हो जाए रटा मार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में क्या लिखा है कि नव निर्मित वक्सन वैगन की पहली पीयूएच कितना होता है। नव निर्मित जो वक्सन वैगन होगा उसका पहली पीयूएच जो है कब होगा? तो इसका जो है कितना 6 वर्ष पर होता है। देखिए यहाँ पर ई लिखा हुआ है, सी होना चाहिए यहाँ पर, यानी 6 वर्ष पर। कितना दिन पर होता है? 6 वर्ष पर होता है 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कर रहा है कि नव निर्मित बीएलसी कंटेनर वैगन की पहली पीयूएच कितना होता है। देखिए ये जो है बीएलसी वैगन है। ठीक है, क्या है? बीएलसी वैगन। तो इसका नौ पहली पीयूएच जो है कब होता है? तो ये जो है आपको सी नंबर में, ये भी जो है 6 वर्ष पर ही होता है। ठीक है, कितना दिन पर होता है? 6 वर्ष पर ही होता है। ठीक है, बीएलसी के लिए। और ये क्या है? वक्सल बोगी का एक्सल लोड के लिए डिजाइन किया गया, मतलब कितना लोड के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपको 20.30 टन के लिए मतलब कि डिजाइन किया गया है। कितना? 20.30 मतलब कि टन वक्सल बोगी के एक्सल लोड के लिए डिजाइन किया गया। कितना? 20.3 टन। ठीक है, 20.3 टन। चलिए इसको मिटाइए, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 45, ब्रॉड गेज का ट्रैक गेज कितना है? ब्रॉड गेज का ट्रैक गेज जो है कितना है? तो 1676 एमएम होता है, ठीक है। कितना? 1676 एमएम, ठीक है। 45 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि ब्रेक बैन माल वीजी, मतलब माल यानी माल के जगह पर मतलब गुड्स लिखा हुआ है, गुड्स वीजी में प्रयुक्त ब्रेक सिस्टम के प्रकार है, मतलब कि कौन सा ब्रेक सिस्टम लगाया गया है, इसमें एयर ब्रेक लगाया गया है कि कौन सा ब्रेक मतलब की लगाया गया है, तो आप देख सकते हैं सी नंबर में दिया है वैक्यूम ब्रेक। कौन सा लगाया गया है? वैक्यूम ब्रेक लगाया गया है, ठीक है, वैक्यूम ब्रेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर में क्या है कि बीजी ब्रेक वैगन का पीयूएच, बीजी यानी ब्रॉड गेज ब्रेक वैन का पीयूएच जो है कितना होता है? तो ये होता है 2 वर्ष। कितना होता है? 2 वर्ष, ये ध्यान में रखिएगा। बीजी यानी ब्रॉड गेज ब्रेक वैन है, कौन सा ब्रेक वैन का बात किया जा रहा है, इसका पीयूएच जो है कितना दिन पर होता है? तो 2 वर्ष पर होता है। 47 के बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है कि कार्टिज प्रकार के रोलर बेयरिंग का कैप स्क्रू का टार्क वैल्यू या टार्क वैल्यू पूछ रहा है कि कितना टार्क वैल्यू से उसको टाइट किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है 40.0 किलोग्राम मीटर, मतलब न्यूटन मीटर भी इसे कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर जो लिखा है न्यूटन मीटर भी इसको कह सकते हैं, 40.0 यानी 40, ठीक है। इसका बी आंसर हो जाएगा, 48 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, 49 नंबर में क्या कह रहा है कि ब्रेक सिलेंडर का फुल क्रम ब्रैकेट और पिस्टन रॉड आई के केंद्रों के बीच की दूरी जो होगा कितना होगा, 49 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो 49 का सही आंसर जो है बी हो जाएगा, 782 माइनस 5 एमएम, ठीक है। यानी इसका आंसर जो है आपको बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है कि पीन और झाड़ियों के बीच की दूरी अधिकतम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बुशेज सुल्ड भी, मतलब यहाँ पर बुश का जो झाड़ी लिखा है, पीन एंड झाड़ी के बीच की दूरी जो है किससे मतलब अधिक नहीं होना चाहिए, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा, 1.5 mm। कितना हो जाएगा? 1.5 mm। चलिए हम तो 50 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाते हैं, लेकिन इस पेज को हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। 51 नंबर में क्या लिखा है कि अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम में फ्रेट स्टॉक में किस प्रकार के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है एल प्रकार का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार का? एल प्रकार का। 52 नंबर में क्या लिखा है, रोलिंग आउट परीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि, क्या देखा गया है? तो इसको ऑप्शन को थोड़ा सामने लाइए। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर जो है मतलब सी हो जाएगा, कोई ब्रेक वाइंडिंग नहीं। क्या कह रहा है कि रोलिंग आउट परीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि कोई ब्रेक, का आंसर जो है सी नंबर दिया हुआ है, कोई ब्रेक वाइंडिंग नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर में, आरडीएसओ का अनुशंसा के बाद बीजी ब्रेक बैन में लकड़ी के स्थान पर किस सामग्री का उपयोग जो है किया जा रहा है, लकड़ी के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो कांच का ऊन, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को अपने समाप्त करता हूँ। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ये केवल इसमें बैगन का क्वेश्चन था। अगर इस वीडियो का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9693571426 इस पर आप लोग जो है मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं एलडीसी जेईई के तैयारी के लिए, ठीक है। जहां पर वैगन आईसीए पीएलएचवी सभी का यहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो सकता है। चलिए, तबीयत खराब होने के कारण पूरा डिटेल में नहीं बताया गया।